यस, गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस, दैट इज आईएएस नॉलेज मंत्र पर। तो आगे बढ़ने से पहले बताइए स्टूडेंट्स, इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टूडे सेशन। तो बता दीजिए इस चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ चलें सेशन की तरफ। मुझे ग्रुप पे पुट अप करने दीजिए, सेशन शुरू हो गया है एंड वी कैन बिगिन नाउ। तो कैसे हैं आप सभी लोग बताइए। यस यस, गुड इवनिंग मुकेश, अविनाश, तरुण, और मैं देख रहा हूँ अच्छा खासा डिस्कशन चल रहा है भाई यहाँ पर। यस यश, तो चलिए देखा जाए आज के टॉपिक, आज करंट अफेयर्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। लेट मी सी, अगर कुछ विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है तो हम ठीक कर देंगे इसको। तो दिन रात पढ़ाई करना, दिन रात सेशन में रहना, यूपीएससी का ये जो यूपीएससी के प्रिपरेशन की जो बात चल रही है उसमें कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को बताया जाए भाई, टेल मी। यस, गुड इवनिंग किरण एंड सुबी ऑल्सो, गुड इवनिंग। लेट्स प्रोसीड, देखते हैं क्या क्या इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जो भी यहाँ पर कंकरेंट व्यूअर्स हैं सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और चलिए देखा जाए आईएएस नॉलेज मंत्र के आज 6 अक्टूबर के सेशन में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। लेट्स प्रोसीड स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, दिस इज़ डॉक्टर अनुराग, a passionate UPSC mentor and expert in the field for the past one decade in offline mentoring and past 4 years in online mentoring upon various edtech platforms. UPSC mein mera experience 2 baar personality test dene ka hai, 4 attempts and 4 mains mein. I've also worked as assistant commissioner of sales taxes in Uttar Pradesh state civil services for 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. टेलीग्राम चैनल अनुराग सिंह आईएएस नॉलेज मंत्र, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाइएगा इस सेशन के फ्री पीडीएफ के लिए। तो आज 6 अक्टूबर है, करंट अफेयर्स आपको पता है, हमारे साथ कैसे देखना होता है, डिकोड इंटरलिंक अप्रोच, 360 डिग्री अप्रोच, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अप्रोच एंड केस स्टडी अप्रोच स्टूडेंट्स। डिकोड इंटरलिंक अप्रोच का मतलब होता है डिकोड द न्यूज़, लिंक इट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द आंसर्स यू आर राइटिंग फॉर द मेंस एंड गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स। 360 डिग्री अप्रोच का मतलब होता है स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से उस न्यूज़ को पूरा खंगाल कर उसका बैकग्राउंड निकाला जाए। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अप्रोच का मतलब होता है स्टूडेंट्स, क्या कोई मेंस का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बन रहा है उस टॉपिक से, अगर बन रहा है तो उसे डील किया जाए। और केस स्टडी अप्रोच का मतलब होता है स्टूडेंट्स दैट अगर कोई रिलेवेंट केस एग्जाम्पल मिल रहा है वहाँ से तो वो एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। करंट अफेयर्स का जो पूरा का पूरा फोकस एरिया है स्टूडेंट्स, इट्स नॉट टू बी सीन एज आइसोलेटेड वन, यू आर गोइंग टू हैव टू इंटरलिंक इट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिलेबस एंड देन स्टडी इट, नॉट डोंट ओनली रीड इट, यू हैव टू स्टडी इट। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स आगे। मैं बता दूं, आईएएस टॉपर्स मंत्र कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ड इन पुणे हैज लॉन्च्ड वेरियस ऑफलाइन कम ऑनलाइन कोर्सेज, द बेस्ट कोर्सेज गोइंग ऑन आर सक्षम मेंटरशिप लर्निंग, डिटेल्ड डायनामिक एरियाज का पूरा कवरेज विद टेस्ट सीरीज एंड लाइव आंसर राइटिंग, नथिंग टू बी सीन अपार्ट फ्रॉम दिस। अगर आपने एक बार एनसीईआरटीज और दिस रेफरेंस बुक्स पढ़ा है तो सक्षम मेंटरशिप लर्निंग 2024 के लिए लॉन्च किया गया है। लास्ट ईयर बहुत इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस बार के प्रीलिम्स और मेंस में, इवन इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया गया था डिटेल में जो कहीं नहीं पढ़ाया गया था, एंड इट केम अप इन दिस ईयर मेंस। यस, एंड लगभग 10 hours का क्लास एवरी वीकेंड, 40 hours इन अ मंथ, एंड कल कुरुक्षेत्र पढ़ाया जाना है, इसमें कुरुक्षेत्र का डिटेल्ड फोकस प्रीलिम्स और मेंस के लिए, लाइव आंसर राइटिंग, ऑफलाइन कम ऑनलाइन सेशंस हैं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर्स पर, मोबाइल नंबर्स हैं 9999888735, 9999888735। साथ में स्टूडेंट्स लक्ष्य फोकस मॉड्यूल राइट फ्रॉम स्क्रैच 1 year कोर्स सक्षम इज फ्री इन दिस। सो लक्ष्य इज अ कंप्लीट होलिस्टिक कवरेज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफलाइन कम ऑनलाइन, जिसमें कि पूरा फोकस स्क्रैच से तैयारी कराने पर रहेगा, इंक्लूडिंग
The PDF booklets you are going to get, Lakshya includes Saksham, let me tell you students. Any doubt, you can ask upon these mobile numbers. Yes, yes, good evening the newcomers. Chaliye aage badhte hain students. Badh chala jaye kya aaj ke session ki taraf. To session ka pehla news, aaiye dekha jaye kya hai. And let's see. तो ये देखिए हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर क्या बात है, टूरिज्म क्या बात है, टूरिज्म के पर्पज से कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च किए भारत सरकार ने, फटाफट चैट बॉक्स में लिखकर अपना बता दीजिए कितना आपने नॉलेज गेन किया है. यस लेट मी नो. सो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कैरावान पार्क इन केरल टू ब्रिंग इन मोर टूरिस्ट एट टू बेकल फोर्ट. क्या बात है, थिरुवनंतपुरम से न्यूज आता हुआ कासरगोड स्ट्रीट के बारे में. कासरगोड स्ट्रीट देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर है, जहाँ पर सामने दिख रहा है आपको, ये देखिए बेकल फोर्ट देखिए यहाँ पर, यू कैन सी इट स्टूडेंट्स, ये देखिए. तो ये देखिए फोर्ट, देखिए क्या फोर्ट बना है. अभी तक ये 17th century का ये फोर्ट है. ये देखिए 4 centuries हो गई हैं, इट 2/3 इज टचिंग द सी. ये देखिए पानी लग रहा है फिर भी ये फोर्ट वैसे ही खड़ा है. यहाँ बिल्डिंग में और फ्लैट्स में जरा सा पानी आ जाए बिल्डिंग गिर जा रही है. ये देखिए यही होता है, देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन किया गया है. हैव अ लुक स्टूडेंट्स, बेकल फोर्ट मिडिवल फोर्ट बिल्ट बाय शिवप्पा नायक ऑफ केलादी इन 1650 एनो डोमिनी एट बेकल. ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लार्जेस्ट फोर्ट इन केरल स्प्रेडिंग ओवर 40 acres और इस फोर्ट से लिंक्ड है टीपू सुल्तान. ये देखिए एन इंपॉर्टेंट फीचर इज द वाटर टैंक मैगजीन एंड द फ्लाइट ऑफ स्टेप्स लीडिंग टू एन ऑब्जर्वेशन टावर बिल्ट बाय टीपू सुल्तान. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बेकल फोर्ट ये देखिए. यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए समझ में आ रही है बातें, लेट मी नो. यस जेल अधीक्षक यूपी पीसीएस से बनते हैं, तरुण ने पुटअप किया. यस बिल्कुल भाई ओके. तो ये देखिए सून टूरिस्ट द वेल प्रोटेक्टेड फोर्ट ऑन द हिलॉक ओवरलुकिंग द अरेबियन सी बोस्ट स्टनिंग आर्किटेक्चर एंड लश ग्रीन एनवायरमेंट. ये देखिए तो टूरिज्म को लेकर कौन कौन से प्रोग्राम से कोई बता नहीं रहा, लग रहा है कि आप लोग भूल गए हैं या पढ़े ही नहीं है. नहीं स्वदेश दर्शन एंड प्रसाद स्कीम ठीक है, बिल्कुल सही, क्या बात है. तो बेकल फोर्ट इस न्यूज़ को क्या करना है स्टूडेंट्स, टूरिज्म में लिंक कीजिएगा, कल्चरल टूरिज्म में, हेरिटेज टूरिज्म में. यस आ सकता है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चरल टूरिज्म, ये केस स्टडी है स्टूडेंट्स. तो वैल्यू एडिशन मेंस के लिए आपको मिल जाएगा, टूरिज्म में कोई भी सवाल आएगा अगले साल यू कैन लिंक इट इन वैल्यू एडिशन. एंड बेकल फोर्ट प्रीलिम्स 360 degree अप्रोच टीपू सुल्तान से लिंक्ड है ये फोर्ट, इसे याद रखिएगा. लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट एंड डच फोर्ट्स इसी के आसपास बिल्ट अप है, डच का प्रेजेंस केरल में था इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स. यस यस नमस्कार, गुड इवनिंग न्यूकमर्स. देखो अपना देश क्या बात है, एक स्कीम है पढ़ो परदेश और एक स्कीम है देखो अपना देश, क्या राइम बन चुका है स्टूडेंट्स. फिलहाल बेकल फोर्ट से आगे बढ़ते हैं, यहां से केवल इतना ही सफिशिएंट था. ये वन ऑफ दोज फोर्ट्स है जिसका 2/3 हिस्सा सी से टच कर रहा है. ये देखिए लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सेकेंड टॉपिक ऑफ द डे. सेकेंड टॉपिक में ये देखिए आज आया हुआ है ग्राफिकली स्पीकिंग द हिंदू में बीच के पन्ने पर आया, नो कंट्री फॉर ओल्ड वुमेन ग्रेइंग इंडिया द न्यू कंसर्न कम्स आउट टू बी आउट हियर. सोसाइटी का भी न्यूज है और साथ में पैरेलल एक न्यूज आया स्टूडेंट्स अंतिम पन्ने पर साइंस एंड टेक में, और वहां से क्या आया देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर साइंस एंड टेक का भी न्यूज है. प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रे एल्डर मेंटल हेल्थ केयर कम्स इनटू प्रोमिनेंस, सो द सीनियर सिटीजंस आर फेसिंग अ बाउट ऑफ प्रॉब्लम्स. डू यू एग्री, फिजिकल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. ये देखिए तो क्या अलग अलग समस्याएं फेस कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. क्यों है मुझे बताया जाए स्टूडेंट्स, टेल मी इन द चैट बॉक्स, समझ लेंगे दैट आप लोग बिल्कुल सटीक पकड़ लेते हैं बात को. बताइए यस यस लेट मी नो. प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रे एल्डर मेंटल हेल्थ केयर कम्स इनटू प्रोमिनेंस.
फिलहाल इसके रिलेटेड कुछ डेटा देख लिया जाए जो पुराने वाले न्यूज़ में आया हुआ है, इसके पहले वाले न्यूज़ में। दोनों न्यूज़ हमें साथ में पढ़ना है, एक साइंस टेक का है और एक सोसाइटी का है। लेट्स सी, नो कंट्री फॉर ओल्ड वुमेन, ये देखिए, एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइजेज एंड बर्थ रेट्स डिक्लाइन, द नेशन बिगिंस टू सी अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन एजिंग, इंडिया विल सून अप्रोच अ क्रिटिकल जंक्चर वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ द एल्डरली विल पीक, placing a strain on the working age populace. Women, who generally outlive men, are at the center of this crisis. As a high share of them are out of the labor force, they lack savings. They are more prone to health issues compared to men and often find basic tasks more challenging during their sunset years. They are also less aware about government schemes. Ye dekhiye, is pure पैराग्राफ में, ये तीन लाइंस में सब कुछ बता दिया समस्याएं, क्यों ओल्ड वुमेन ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं एज कंपेयर टू मेन। ये देखिए पहली समस्या, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, दिस वुमेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मच मोर, ये देखिए, तो ओल्ड एज में ज्यादा समय इनको बिताना है, इज मोर। सेकेंड पॉइंट ये देखिए, they are not a part of labor force, okay, yani employment nahi raha hai. Third point, lack savings, okay. Ye samasyaen dekhiye students, Tarun ne put up kiya hai reasons, Tarun ne try kiya reasons, kya kya psychological reasons kyun, lekin usse kahin bada reason hai, aaiye hum log padhenge, chinta mat kijiye. So lack savings, ye dekhiye, paisa nahi hai students. फोर्थ पॉइंट, मोर हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, ये देखिए। एंड फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं आफ्टर मेनोपॉज। एंड फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, ये देखिए, बेसिक टास्क मोर चैलेंजिंग, क्या बात है। एक सवाल तो बनता है यहां पर, व्हाई डू ओल्डर वुमेन फाइंड इट डिफिकल्ट to live the sunset years as compared to the older men. ये देखिए reasons दे दिया यहाँ पर. And sixth point, they are less aware of the government schemes. Less aware, yes, ये देखिए, of government schemes. Yes, yes, good evening, नमस्कार, जो newcomers आए हैं. मुझे बताइए students, आप लोग ये points note कर लीजिए और फिर बताइए मुझे, सबसे बड़ी समस्या साइकोलॉजिकल है, मैंने ये क्यों कहा ओल्ड एज में। फिलहाल कुछ डेटा देख लीजिए, डेटा अच्छा खासा आया है। द शेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू डबल टू 20.8% बाई 2050। ऑल्सो एल्डरली वुमेन विल आउट नंबर सीनियर मैन। क्लोज टू 30% ऑफ वुमेन अबव 60 ईयर्स हैव वन मॉर्बिडिटी एंड नियरली 25% सफर फ्रॉम टू मॉर्बिडिटीज। दो कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से सफर कर रही हैं, कोई ना कोई डेबिलिटेटिंग डिजीज से सफर कर रही हैं, ये देखिए। थर्ड, 30% ऑफ एल्डरली वुमेन हैव डिफिकल्टी गेटिंग आउट ऑफ बेड, 25% फाइंड इट टफ टू टेक अ बाथ एंड ईट विदाउट असिस्टेंस, ये देखिए। नितिन, ये वहीं से उठाया गया, द हिंदू से मैंने उठाया ये टॉपिक, पूरा डिटेल्ड आर्टिकल। लेस देन 25% ऑफ एल्डरली वुमेन आर अवेयर ऑफ कंसेशन स्कीम्स गिवन बाई गवर्नमेंट, ये देखिए। ये सब डेटा स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा यहाँ दिया हुआ, देख रहे हैं आप, 1, 2, 3, 4, ये चारों डेटा मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये देखिए चार्ट्स दिए गए हैं, ये देखिए पॉपुलेशन इन मिलियंस डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए 60 प्लस देखिए राइज करने वाला स्टूडेंट्स यहाँ पर, 15 to 59 ईयर्स पीक कर चुका है ऑलरेडी, पीक करने वाला है 2030 में, ये देखिए 2030 में पीक करेगा, उसके बाद डिक्लाइन ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड ग्रुप, ये देखिए चिल्ड्रेन की संख्या पीक कर चुकी है और अब डिक्लाइन पे है, ये देखिए। क्लियर, तो ये देखिए 47% शेयर ऑफ एल्डरली वुमेन हु नेवर वर्कड इन द पास्ट, 35% शेयर ऑफ एल्डरली वुमेन हु एक्सपीरियंस डिफिकल्टी यूजिंग द टॉयलेट, चिंता की बात है स्टूडेंट्स। डिजीज प्रेवलेंस, चैलेंजेस फेस विद बेसिक एक्टिविटीज, ये देखिए सब डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। हिंड्रेंसेज इन रिसीविंग बेनिफिट्स, नॉट एलिजिबल, नॉट हैविंग डॉक्यूमेंट्स, नॉट येट अप्लाइड, प्रोसेस इज कंबरसम, देखिए प्रोसेस इज कंबरसम है मैक्सिमम लोग, देखिए स्टूडेंट्स।
क्लियर. सेक्स रेशियो अमंग एल्डरली, देखिए सेक्स रेशियो वुमेन के फेवर में है, दे आउटलिव द मैन. ये देखिए स्टूडेंट्स हर जगह फेवर में, एक्सेप्ट इन द ईस्ट. ये देखिए एवरीवेयर दे द सेक्स रेशियो इज द इन द फेवर ऑफ ओल्ड वुमेन. ये देखिए ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, इवन जीएस ज्योग्राफी यू कैन टेक आउट द डेटा. सेक्स रेशियो पे कोई भी सवाल आया तो केवल सेक्स रेशियो अडल्ट का डील नहीं करना है, चाइल्ड का डील करना है, ओल्ड एज का डील करना है, और ओल्ड एज का यहां से डेटा उठा लीजिएगा. ये देखिए क्लियर. डिजीज प्रेवलेंस ये देखिए स्टूडेंट्स, एक से देखिए एक भी बीमारी नहीं है, आधे लोग यहां पर एक बीमारी है और दो बीमारियां हैं देखिए यहां पर लगभग. सो इट क्लियरली शोज दैट इन केस ऑफ वुमेन 60 to 69, 70 to 79 द नंबर ऑफ डिजीजेस दे आर सफरिंग इज मोर देन मैन कंपेयर किया गया. देखिए यहां पर क्लियर स्टूडेंट्स. डिप्रेशन देखिए मेल फीमेल, देखिए फीमेल में डिप्रेशन ज्यादा है स्टूडेंट्स. देखिए 8.7, ये देखिए 9.4, 11.4 एंड 9.2. ये देखिए क्या ये डेटा एग्जैक्ट निकालना है? नहीं नहीं डेटा नहीं निकालना, कंपेयर किया गया है. ठीक है, क्या इतना हो गया स्टूडेंट्स मुझे बताइए. अब आइए चलते हैं उस आर्टिकल की तरफ जो साइंस एंड टेक में मेंटल हेल्थ को लेकर आया है, और वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है द हिंदू का. प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रे एल्डर मेंटल हेल्थ केयर कम्स इन टू प्रोमिनेंस. Let's see this topic students in detail. So there are more older people on the globe now than ever before in the history of humanity. In 2022 the number above 60 was 1.1 billion comprising 13.9% of the global population. By 2050 the number of older people is expected to increase to 2.1 billion constituting 22%. A big jump students. India is not far behind. It had 149 million older adults in 2022. This figure will grow to a whopping 347 million by 2050 according to projections. ये देखिए और ये worsen करेगा conditions उस समय के old age के लोगों को, that is our generation. Getting old is a normal physiological processes. For convenience, we can consider aging as a physical, social, psychological domains. It is important to remember that the issues in each domain interact with one another within and outside the domains. Physical aging, social aging, psychological aging. Aging is a normal physiological process. Normal hota hai, students. The physical aspects of aging are apparent. It's apparent. For example, graying hair, decreasing muscle mass. Ye dekhiye. लेकिन वैरी करता है. कितने लोग 80 साल के ऊपर भी हैं लेकिन बहुत हेल्दी हैं, कितने लोग 70 साल के उम्र में इमोबाइल हो जाते हैं, लिखा हुआ है. वी नो ऑफ एक्टिव मैराथन फिट एल्डर्स वाइल अदर्स परहैप्स यंगर बाय अ फ्यू इयर्स आर इमोबाइल. ये देखिए लेकिन ये कौन सी समस्याएं फेस कर रहे हैं. ये देखिए इंक्रीज डिपेंडेंसी, सोशल आइसोलेशन, पॉवर्टी, एजिज्म. ये देखिए एक समस्या हो गई एजिज्म. पेसिमिज्म, nihilism are significant social challenges our elders face. So big words coming out. ये देखिए बहुत सटीक words के साथ में students यहाँ पर this बहुत सटीक words के साथ में यहाँ पर put up किया गया सब कुछ. ये देखिए तो आप बोलेगा dependency increase करता है, yes. Social isolation increase करता है, segregation, ostracization, yes. पॉवर्टी, यस, क्योंकि इकोनॉमिक जो कोई अर्न करने का अपॉर्चुनिटी रहता नहीं है. एजिज्म, ये देखिए अलग से बीमारी, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या मुझे बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं आता है. पेसिमिज्म, लाइफ को लेकर बहुत पेसिमिस्टिक एटीट्यूड. निहिलिज्म, ठीक है, निहिलिज्म इज दैट कुछ भी संसार में रियल नहीं है, सत्य नहीं है, क्योंकि एजिंग हो जाता है उसका डिप्रेशन के कारण निहिलिज्म का थॉट्स आता है स्टूडेंट्स. They are vulnerable to emotional, physical, sexual and financial abuse by others. Often the perpetrators are known to them, commonly a family member. Many towns and cities in India are not elder friendly. ये देखिए. So ये भी समस्याएं देखिए लाइन से देखी हुई हैं students. Many public buildings are inaccessible without ramps or handrails. Pavements are non-existent, uneven or used for parking and public transport is limited.
दीज मेक एक्सेस टू हेल्थ केयर डिफिकल्टी. देखिए अगर अकेले रह रहे हैं तो और मुश्किल. और दिल्ली वगैरह में तो केस आया था स्टूडेंट्स बुढ़ापे में अकेले रह रहे हैं, पैसा खूब है, कोई आया रात में मार कर चला गया, ऐसा केसेस हुआ है मुझे बताइए स्टूडेंट्स. और तो और ये देखिए कमिंग टू फिजियोलॉजी, कमिंग टू साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ही तो सबसे बड़ा पॉइंट जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो मैंने आपसे पूछा था. ये देखिए एज वी एज वी आर एक्सपेक्टेड टू बी वाइजर विद अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड इट्स चैलेंजेस फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस इधर पर्सनल और विकैरियस. जितना बढ़ता है, बढ़ती है उम्र, उतना लगता है कि विजडम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. एरिक एरिक्सन प्रपोज्ड ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर एज हिज फाइनल साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज इन अ ह्यूमन. अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन ओल्डर पर्सन शुड व्यू देयर अकॉम्प्लिशमेंट्स पॉजिटिवली. उन्हें अपनी अचीवमेंट्स सोचना चाहिए पॉजिटिवली. दे वुड बी फिल्ड विद डिस्पेयर इफ दे डिड नॉट कंसिडर देमसेल्व सक्सेसफुल, बट द फैक्ट इज दे कंसिडर देमसेल्व अ फेलियर. और यही दिक्कत है स्टूडेंट्स. इंडियन कल्चर एम्फसाइजेस एक्सेप्टेंस ऑफ द पास्ट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर एज अ मींस ऑफ अचीविंग पीस ऑफ माइंड इन ओल्ड एज. देखिए उन्हें पूरा बोल्ड में मार्क किया, बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी की थ्योरी है देखिए यहां पर. और इसमें सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस. अरे इंसान, मैं बता दे रहा हूं, ओल्ड एज की बात छोड़ दीजिए, कोई इंसान एक्सेप्टेंस का फीचर उसके अंदर आज की तारीख में हो ही नहीं सकता. बिकॉज विद द राइज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नार्सिज्म, सोशल मीडिया, ईगो, पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट, वॉट इज हैपनिंग इज एक्सेप्टेंस इज गॉन अवे. एक्सेप्टेंस हमारी एज में भी, हमें भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर भी एक खामी है. यस, आपके अंदर, हमारे अंदर, हम कितनी बार हर चीज में एक लिमिट तक जाकर लड़कर वापस आते हैं और तब एक्सेप्ट करते हैं ओके ये कमी तो है, दैट इज इट. क्लियर. और यहां देखिए सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात है, सबको ओल्ड एज में ये आता है कि मैंने कुछ किया कि नहीं किया. मैं बता दूं आपको, और अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो आए, मींस अगर आपको लग रहा है नहीं ऐसा नहीं होगा, ये आएगा. ये ओल्ड एज की बात नहीं है. थर्टीज़ आर द मोस्ट राइप टाइम ऑफ आउटपुट, लेट मी टेल यू. और थर्टीज़ के समय जो आउटपुट निकलता है उस समय टाइम नहीं मिलता इंसान को कि बैठ कर कुछ करे. लेकिन 40 की उम्र जैसे ही लगती है वैसे ही इंसान का दिमाग और दिल सवाल पूछना शुरू करता है. वेयर, फ्रॉम वेयर टू वेयर, वेयर आर यू, क्या विजन है, लैकिंग है, लैगिंग है, क्योंकि लिमिटेशंस आनी शुरू हो जाती हैं जीवन में उस समय. एक्सेप्टिंग द लिमिटेशंस दैट ओल्ड एज इम्पोजेज ऑन अस एंड रिनाउंसिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट अ सेंस ऑफ सफरिंग और लॉस आर एसेंशियल टू एज वेल साइकोलॉजिकली. देखिए सबसे बड़ी बात एरिक एरिक्सन ने कही थी कि एक्सेप्टेंस लिमिटेशंस की ओल्ड एज में, रिनाउंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ना, जिससे कि हमारे दिस वर्ण आश्रम में डिफरेंट स्टेशंस ऑफ लाइफ बताया गया है, वानप्रस्त और संन्यास जरूरी पड़ता है स्टूडेंट्स. गृहस्थ आश्रम एक उम्र के बाद छोड़ना पड़ता है, छोड़ना जरूरी पड़ता है. 50 इयर्स के बाद, 50 इयर्स कर लीजिए, 55 इयर्स कह लीजिए विद लेट मैरिज कंसेप्ट गोइंग ऑन. एट द एज ऑफ 60 रिटायरमेंट मीन्स रिटायरमेंट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, एवरी एस्पेक्ट. हाउएवर दिस इज नॉट ईजी. और ये इजी क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि एल्डर्स स्ट्रगल टू एक्सेप्ट द चेंजेस अकंपनिंग एजिंग. एज अब्राहम लिंकन सेड, इट इज नॉट द ईयर्स इन योर लाइफ दैट काउंट, इट इज द लाइफ इन योर ईयर्स दैट काउंट. क्या बात है, क्या बात है. अब्राहम लिंकन ने क्या बड़ा स्टेटमेंट दिया था. इसी वजह से जीवन हॉलो लगना शुरू हो जाता है एक लिमिट के बाद. क्लियर. तो अब यहां पर देखिए ये बहुत बड़ी बात कही है अब्राहम लिंकन ने, और ये बात सामने दिखती है आनंद मूवी में. ये देखिए, क्या यही आपने ये सुना हुआ है, मुझे बताइए. बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. सो दिस इज व्हाट अब्राहम लिंकन कन्वेज इन दीज वर्ड्स, दिस इज व्हाट बॉलीवुड कन्वेज थ्रू द आनंद मूवी.
इट्स अ लेसन. पुरानी मूवीज़ होती भी थी स्टूडेंट्स, लेसन्स देती थी जीवन की. ये स्टेटमेंट अपने आप में एक लेसन है, एक सीख है जो एक इंसान को लेना चाहिए. देखिए, खैर हम मूवीज़ देखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं उससे क्या सीख लिया गया है, लेकिन इस लेसन में, इस मूवी में एक चीज़ दिखाया गया. आनंद मूवी अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं बस इतना कहूँगा. एंड दोज हु हैव वॉच्ड दिस मूवी आनंद, इन विच राजेश खन्ना इज सफरिंग फ्रॉम अ कैंसर एंड अमिताभ बच्चन इज द डॉक्टर. राजेश खन्ना नोज दैट ही हैज टू डाई. ये देखिए, ही नोज इट. द पीपल अराउंड हिम आर सरप्राइज एंड शॉक्ड, हाउ डज ही लिव इन सच अ चीयरफुल फैशन. वो कैसे अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर रहा होगा, उसे पता है 2 साल के बाद उसे डेथ आना ही आना है, उसे मृत्यु की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है. और इसीलिए मीन्स ये मूवी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तब यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि वाकई में व्हाट डिड अब्राहम लिंकन मीन. एंड यस, दिस कैन कम एज अ फुल फ्लेज्ड एसे टॉपिक. एसे टॉपिक आ सकता है स्टूडेंट्स, इस एसे टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा और ये मूवी ज़रूर देखिएगा. इनफैक्ट लाइफ इज़ नॉट अबाउट क्लोजिंग द रूम एंड गोइंग इनसाइड एंड ओनली रीडिंग लाइक अ मैड मैन. नो, इट ऑल्सो लाइफ इज ऑल अबाउट एंड प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट ऑल्सो इनकॉर्पोरेटिंग द लेसन्स फ्रॉम वेयर एवर यू गेट, वॉट एवर बी द मीडिया, जहाँ से भी मिल रहा है उसे उठाकर लाइफ के लेसन को समझ कर इनकॉर्पोरेट करते जाइए अपनी पर्सनैलिटी में, आगे बढ़ते चाहिए. दैट्स इट. मैनी एल्डरली मैन स्पेशली फील लॉस्ट एंड बिकम अनप्रोडक्टिव आफ्टर रिटायरमेंट. इट इज क्रिटिकल टू डेवलप अदर इंटरेस्ट इन लाइफ, बीट म्यूजिक, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यहीं पर एक सवाल आता है. एक बच्चे ने मेरे से आज से 6 साल पहले ऑफलाइन अभी पढ़ा रहे छः साल पहले जब कोविड के पहले की बात है, जब बैचेस होते थे, तो एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर यूपीएससी में हॉबीज का कॉलम क्यों रहता है. ओके, द स्टूडेंट हैड आस्क्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू गिव द पर्सनालिटी टेस्ट इन फैक्ट. सो ही आस्क्ड मी सर दैट व्हाई हॉबीज कॉलम इज देयर. हॉबीज का मतलब क्या होता है? लेजर टाइम में, खाली समय में आप समय व्यतीत कैसे करते हैं, वो आपके लाइफ का डायमेंशन तय करता है. मैं बता दूं आपको, हमारे यहाँ खाली टाइम का मतलब इंडिया में टॉक्स होती हैं. डू यू एग्री? टेल मी. नहीं, टॉक्स होती है. टॉक्स का मतलब क्या होता है? बातचीत. लेकिन अफसोस कि वो हॉबी के रूप में हम मेंशन नहीं कर सकते कि हॉबी लिखा है वहां पर दैट व्हाट इज योर हॉबी, यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट डीएएफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्मेट, बातचीत करना, टॉक्स करना दिन भर. लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हॉबी का यही मतलब होता है, यही डायमेंशन है. आपको अपने साथ रहना भी आना चाहिए. और मैं बार बार कहता हूं, अपने साथ जीना सीखो. अपने साथ का मतलब है यू शुड एंजॉय योर कंपनी. इट्स नॉट अबाउट गोइंग इन आइसोलेशन. नो, हाउ कैन यू गो इन आइसोलेशन? टेल मी. It's about living with yourself happily. And according to me, a person who can't live with himself or herself happily can't live in the society in a happy fashion. Do you agree? Tell me, students. और खुद के साथ समय बिताने के लिए जरूरी होता है 1 घंटे, आधे घंटे. गाना सुन लो अपने हिसाब का. हो सकता है वो गाना समाज के हिसाब से, मीन्स हो सकता है कोई बता दे अरे इतने पुराने गाने सुनते हो, कोई दिक्कत नहीं है. गाना सुनो, अपने लिए सुन रहे हो, समाज को दिखाने के लिए नहीं. कोई स्पोर्ट्स खेल लो, डांस कर लो, किताब पढ़ लो, कोई सोशल वर्क कर लो. हॉबीज का यही तो सबसे बड़ा डायमेंशन होता है. यस, दिस हेल्प्स मिटिगेट द फीलिंग ऑफ लैक ऑफ पर्पस आफ्टर रिटायरमेंट विच वेरी ऑफन लीड्स टू डिप्रेशन. अगर लैक ऑफ पर्पस रहेगा तो डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ जाएगा इंसान. ये देखिए, क्लियर. रफली 15% ऑफ एल्डर्स हैव सीरियस मेंटल इलनेस. टू प्रोवाइड कंटेक्स्ट टू दिस नंबर, इफ वी वर टू ब्रिंग ऑल द एल्डर्स विद मेंटल इलनेस फ्रॉम ऑल ऑफ इंडिया टुगेदर, वी वुड नीड 2 सिटीज द साइज ऑफ चेन्नई टू अकोमोडेट देम. ये देखिए,
कितना ज़्यादा सीरियस मेंटल इलनेस से सफरिंग हो रही है। देखिए साइकोलॉजिकल और मेंटल इलनेस में फ़र्क है। साइकोलॉजिकल इलनेस इज ऑल अबाउट चेंजेस इन द थॉट प्रोसेसेस। मेंटल इलनेस ऑल्सो हैज़ सम एनाटॉमिकल चेंजेस इनसाइड द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड और मीन्स अदर प्लेसेस। मेंटल इलनेस और साइकोलॉजिकल इलनेस में एक सबसे बड़ा फ़र्क है कि मेंटल इलनेस विल बी अकंपनीड बाय साइकोलॉजिकल इलनेस, बट नॉट ऑल साइकोलॉजिकल इलनेस विल बी अकंपनीड बाय मेंटल चेंजेस। बात समझ में आ रही है? टेल मी स्टूडेंट्स, क्लियर? मुझे बताइए। बातें समझ में आ रही हैं स्टूडेंट्स? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। मेंटल इलनेस और साइकोलॉजिकल इलनेस का मैंने फर्क बता दिया। तो कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, देखिए एवरी मेंटल इलनेस विल बी अकंपनीड बाय साइकोलॉजिकल इलनेस बाय डिफॉल्ट। ओके, तो ये देखिए डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमेंशिया, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स शुरू हो जाता है, ट्रीटमेंट गैप भी बहुत ज्यादा है, एंड मैनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑल्सो आर पेसिमिस्टिक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ को लेकर इंडिया में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। मैं बता दूं आपको, बच्चे से लेकर बूढ़े तक अगर कुछ भी दिक्कत है तो लेबल एक ही कर दिया जाएगा कि इंसान पागल हो गया, और यहीं पर हमारा देश और हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। यस, सो फैमिलीज आर ऑफन आस्क्ड टू लॉक द पीपल हु आर हैविंग डिमेंशिया इन अ रूम एज नथिंग कैन बी डन अबाउट देम, क्योंकि ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। और आप लोग सर डॉक्टर्स कह रहे हैं? यस, क्योंकि डॉक्टर्स, या अभी आपने प्रिंस ने पुटअप किया चैट बॉक्स में, या आप लोग देखते रहते हैं, मैक्सिमम जगहों पर स्टडीज इसलिए होती है कि पैसा कमाया जाए। स्टडीज इसलिए नहीं होती हैं दैट उसके बाद स्टडीज का एक विजन रखा जाए, बिल्कुल नहीं होती हैं स्टडीज उस हिसाब से। मैं फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ आपको, टेक्निकल फील्ड के लोगों को, टेक्निकल फील्ड जो भी है और जो ह्यूमैनिटीज फील्ड के लोग हैं, दोनों का डिसिप्लिन अलग है ही नहीं। टेक्निकल फील्ड इज इनकम्प्लीट विदाउट ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज फील्ड इज इनकम्प्लीट विदाउट टेक्निकल फील्ड। लेट मी टेल यू, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, मान लीजिए IAS टॉपर्स मंत्र, मान लीजिए आप मोबाइल ऐप बना रहे हैं, क्या मोबाइल ऐप का जानकारी आपको, मोबाइल ऐप की जानकारी दैट मुझे ऐसे से बनाना है, इज इट सफिशियंट? इफ यू डोंट नो द हु आर गोइंग टू अपियर फॉर द UPSC, if you don't know who are going to give the IAS examination, if you don't know what is the level of the students, if you don't know what do they need, how are you going to make a mobile application and solve the problems? Technical field solves the problems, and for the problems to be solved you must know the problems, and for the problems to be known you must know that samasyaen kya hain is pure desh mein aur is pure sansar mein. Lekin aaj ki tareekh mein dekhiye healthcare professionals ye kya keh rahe hain, pessimistic, band kar do kamre mein, nahi ho sakta kuch. Ye dekhiye न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशंस भी बढ़ चलती हैं इस समय, और आपने पढ़ा ही हुआ है इतने सारे अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज और बाकी इलनेसेस जिस पर रिसर्च चल रहा है, रिसर्च भी नहीं हुआ है, इनको भी ऑर्फन डिसऑर्डर्स का नाम दिया जाएगा स्टूडेंट्स. ये देखिए तो स्टिग्मा भी है, एजिंग भी है. स्टिग्मा मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर फैमिलीज टू एडमिट दैट एन ओल्डर रिलेटिव एज अ मेंटल इलनेस एंड ऑल्सो क्रिएट्स रिलक्टेंस टू टेक देम फॉर ट्रीटमेंट. ये देखिए बच्चे का हो या बड़े का हो, मेंटल इलनेस देखिए इट्स ऑल अबाउट कि दिक्कत क्या है यही नहीं पता है, और यही चिंता की बात है. एंड पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एक्सेस टू सर्विसेज आर अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. ये देखिए मेंटल इलनेस को लेकर, मोस्ट एल्डर्स इन इंडिया आर इम्पॉवरिश्ड एंड लैक एक्सेस टू हेल्थ केयर. ये देखिए तो बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक अवेलेबल हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज ओल्ड एज के लिए. टू एड्रेस सम ऑफ दीज चैलेंजेस स्पेशली इन रूरल कम्युनिटीज, द SCARF स्कार्फ सिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन हैज पार्टनर्ड विद अजीम प्रेम जी. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये देखिए चैरिटी, रोल ऑफ चैरिटी, Paper 2, GS Paper 2 का टॉपिक है स्टूडेंट्स. ये देखिए अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये एग्जाम्पल कोट कर दीजिए, केस स्टडी मिल गया. सो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन एंड सिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन हैज पार्टनर टू रेज अवेयरनेस अबाउट एल्डर मेंटल हेल्थ इन 4 रूरल तालुकाज ऑफ चेंगलपेट डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, रीचिंग 350 विलेजेस. They have recruited 60 volunteers from these villages. And let me tell you, South India is aging very fast. Let me tell you, yes, students. And these volunteers are sensitized about mental health problems elders face. They encourage elders to seek help from the SCARF community. Dekhi, SCARF ka full form apne dekha abhi students.
आउटरीच टीम एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. इससे आप केस स्टडी में लिख लीजिए 20 वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. सवाल यह है क्या इसका कोई रास्ता था पहले या अभी ही रास्ता है. ये देखिए, द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम हैड मेनी एडवांटेजेस दैट सपोर्ट्स एल्डर्स. द मल्टी जनरेशनल इंटरेक्शंस एंड बॉन्ड्स फोस्टर्ड इन जॉइंट फैमिलीज आर क्रूशियल टू द वेल बींग ऑफ एल्डर्स वेल प्रोवाइडिंग एसेंशियल केयर फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग एडल्ट्स. ये देखिए, अनफॉर्चुनेटली जॉइंट फैमिलीज आर रेयर नाउ इवन इन विलेजेस ड्यू टू माइग्रेशन बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री एंड स्मॉल फैमिली साइजेस. फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो एनकरेज सोशलाइजेशन फॉर एल्डर्स. लेकिन फेस्टिवल्स हो ही नहीं रहा है, और हो रहा है तो उस पर यूट्यूब पर देख कर और बाहर पटाखे फोड़कर फिर घर आकर बैठ जाया जा रहा है, उसमें भी रील्स बनाए जा रहे हैं. एल्डर्स की सोशलाइजेशन नहीं हो रही उस जगह पर. और तो और देखिए, ड्रॉइंग कॉलम्स और रंगोलीज रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स दैट हेल्प टू कीप द ब्रेन एक्टिव. लेकिन ये सब मिस हो रहा है, और शायद अब रंगोली का जमाने गया. मुझे बताइए स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में, रंगोली बनाना अब एक काम लग रहा है. यस, वर्क. उससे बेहतर है कोई यूट्यूब देख लेगा. यही तो है आज की तारीख में सब कुछ. वैसे ही जैसे पेन और पेपर, पेन से पेपर पे लिखना एक काम लग रहा है. देखिए कितनी कितनी ज्यादा हमारे कल्चर में इंटीग्रेट था सब कुछ. ये देखिए, इन फ्यूचर गिवन दैट मोस्ट रीडर्स ऑफ दिस आर्टिकल विल एज. ये देखिए कितना अच्छा ये आर्टिकल देखिए एंड कर रहा है. वी नीड टू एंश्योर दैट मेंटल हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर एल्डर्स इन आवर कम्युनिटी. द कोऑर्डिनेटेड एक्शंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल फैमिलीज सिविक सोसाइटी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट कैन अचीव अ हेल्दी एजिंग. सबका चाहिए स्टूडेंट्स इसमें रोल. हेल्दी एजिंग एज अ कंसेप्ट शुड बी ब्रॉट इन द स्कूल करिकुलम एज वेल. यस, टू सेंसिटाइज द दिस किड्स टूवर्ड्स द ओल्ड एज एंड क्या ओल्ड एज में रिस्पॉन्स होना चाहिए. एट अ कम्युनिटी लेवल सर्विसेज फॉर एल्डर्स विद मेंटल इलनेस शुड बी अवेलेबल एंड एक्सेसिबल. City and town planners should consider elder-friendly designs to improve mobility and reduce dependency. Government must frame policies for elders with mental illness, allocate resources, and implement services. We must remember that caring for our elders is everyone's responsibility. यहीं पर ये आर्टिकल समाप्त होता है फिलहाल. लेकिन समस्याएं समस्याएं, joint family का concept आया, रंगोली का concept आया case study में. इसे नोट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर ये इनपुट देना है कहीं ना कहीं. जॉइंट फैमिली पर 2 साल पहले मेंस में क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, गॉट इट? इट्स गुड थिंग दैट यू आर यू ऑल आर स्पेंडिंग टाइम और पुटिंग इन सम एफर्ट्स. यस, इट्स नीडेड स्टूडेंट्स बाय द यूथ. तो मुझे बताइए क्या ये बातें समझ में आई. सवाल तो यही है दैट यहाँ पर अगर लिखा जाए सोशल एम्पावरमेंट. ये देखिए, सोशल एम्पावरमेंट एंड सोशल एम्पावरमेंट ऑफ द एल्डरली विल नॉट हैपन अनलेस विदाउट the contribution of all the stakeholders. Comment. Contribution of all the stakeholders. ये देखिए, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है स्टूडेंट्स, अपने आप को सेंसिटाइज भी करने के लिए और फैक्ट्स भी निकालने के लिए. कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, उसमें उसको पढ़िए, एक्सट्रैक्ट कीजिए. मैं तो पता है मैं बस एक चीज़ मानता हूँ आज की तारीख में दैट मैं एक बस फैक्ट मानता हूँ अभी इस समय दैट न्यूज़पेपर्स हो या किताबें हो, जब आप पढ़ रहे हो तो अपने अंदर इनकॉर्पोरेशन भी कीजिए उन चीज़ों का, ज़रूरी है स्टूडेंट्स. और आज का समय, आज का जीवन इतना अनसर्टेन हो गया, अनसर्टेन टाइम्स में अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है. इस सिनारियो में द ओनली वन थिंग इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन योर लाइफ एंड दैट इज नॉलेज बेस्ड. दैट्स इट. यस,
इज इट क्लियर? लेट मी नो स्टूडेंट्स. मूवी मैंने बताया आनंद मूवी है, ज़रूर देखिएगा आप लोग, ठीक है, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की, ज़रूर देखिएगा वो मूवी. चलिए आगे बढ़ते हैं और आज ही देख लीजिएगा. आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. इट्स नॉट लाइक दैट आई एम प्रोमोटिंग यू टू वॉच अ मूवी लीविंग योर स्टडीज़, बट सम मूवीज आर इन फैक्ट गोइंग टू गिव यू द मैसेज ऑफ द होल लाइफ इन वन सेंटेंस. बाबू मोशाय, जिंदगी, ये देखिए ये मैसेज, बस आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए अपने लाइफ में. ये देखिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, इस चीज़ को याद रखिएगा. चलिए आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. जीएस पे, यस, साइंस एंड टेक का भी हो गया, मेंटल हेल्थ टॉपिक ये देखिए, और साइंस एंड सोशल एम्पावरमेंट का भी हो गया ये टॉपिक, एजिंग को लेकर. वुमेन, ओल्डर वुमेन आर गोइंग टू फेस द मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इन द कमिंग डेज. आइए एक और न्यूज़ आया स्टूडेंट्स, पीडियाट्रिक कैंसर्स, क्या बात है, मींस क्या परेशानी बढ़ती चली जा रही संसार में. गवर्नमेंट नीड्स टू प्रायोरिटाइज चाइल्डहुड कैंसर्स, बढ़ते चले जा रहे केसेस ब्लड कैंसर्स के बच्चों में. और ये वर्ल्ड का हम लोग 25% बर्डन उठा रहे हैं कैंसर्स का, देखिए 18-20%, यस 18-20% ऑफ द वर्ल्ड्स बर्डन ऑफ पीडियाट्रिक कैंसर इज इन इंडिया. अ ह्यूज ह्यूज इम्पैक्ट स्टूडेंट्स, बट लैक ऑफ अवेयरनेस कंटिन्यूज टू बी अ चैलेंज. अलग अलग कैंसर्स और बच्चा लोग, जो छोटे बच्चे हैं उन पर असर. ये देखिए यहाँ पर, और ये मैं बता दूँ, कैंसर रिपोर्ट आया है लैंसेट का, वो भी बता रहा है कि कैंसर के केसेस बैलून अप करने वाले हैं इंडिया में. यस, तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दिस इन तमिलनाडु अकॉर्डिंग टू आर स्वामीनाथन प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी बायोस्टैटिस्टिक्स एंड कैंसर रजिस्ट्री एंड एसोसिएट डायरेक्टर कैंसर इंस्टीट्यूट, अ टोटल ऑफ 2513 न्यू कैंसर्स अकर्ड अमंग्स चिल्ड्रन इन 2022 अकाउंटिंग फॉर 3% ऑफ कैंसर्स इन ऑल एजेस. इट अकर्ड इन द रेशियो ऑफ 123 बॉयज टू 100 गर्ल्स. द रेट ऑफ अकरेंस वॉज 100 पर मिलियन बॉयज एंड 80 पर मिलियन गर्ल्स. ये देखिए, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर वॉज द मोस्ट कॉमन वन. ये देखिए, पीडियाट्रिक कैंसर्स अकाउंट फॉर 3% ऑफ ऑल कैंसर्स डायग्नोज इन इंडिया. ब्लड कैंसर्स, ल्यूकेमिया आर द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन चिल्ड्रन फॉलोड बाई ब्रेन ट्यूमर्स. अब देखिए, आज तक रिसर्च नहीं हुआ. कैंसर भी एक ऑर्फन इलनेस है. ऑर्फन का मतलब क्या? रिसर्च लैकिंग, कोई ज्यादा फील्ड में इनडेप्थ मेडिसिन नहीं आई है, और ये प्रॉब्लम की बात है. लैक ऑफ अवेयरनेस इज वन ऑफ द मेन चैलेंजेस इन चाइल्डहुड कैंसर. सबसे बड़ी बात है, ये कैंसर क्यों लास्ट स्टेज में डिटेक्ट होता है? बिकॉज कैंसर के सिम्टम्स फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, क्या यही सिम्टम्स दूसरी बीमारियों के होते हैं? मुझे बताइए स्टूडेंट्स. सिंपल इलनेसेस, दे मिमिक द कॉमन इन्फेक्शंस, एंड दिस इज व्हाई द पीपल और द पेरेंट्स डोंट नो इवन कि बच्चों को कैंसर है. ये देखिए, एंड द कॉस्ट ऑफ कैंसर केयर इज इंक्रीजिंग रैपिडली. इनफैक्ट महंगाई तो ऐसी बढ़ती जा रही है हर फील्ड में, दैट इट इज मीन्स इट हैज थ्रोन एवरीवन आउट ऑफ द रूफ. वो महंगाई नहीं, रूफ के बाहर गई है, इंसानों को फेंक दिया रूफ के बाहर. ये कंडीशन है, द कॉस्ट ऑफ केयर इज इंक्रीजिंग रैपिडली, बिल्स कैन गो अप ड्यू टू इन्फेक्शंस एंड ट्रीटमेंट्स इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स. और देखिए यहाँ पर, 5-6 लाख का ब्लड कैंसर का अगर ट्रीटमेंट कॉस्ट है तो इंश्योरेंस स्कीम केवल 1.5 लाख रुपए देते हैं. बहुत दिक्कत की बात है स्टूडेंट्स, यानी ओनली 1/4 इज बींग गिवन बाई द इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, दैट्स इट. एंड इंडिया इज अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ द वर्ल्ड्स बर्डन ऑफ पीडियाट्रिक कैंसर केसेस. ये देखिए, इंडिया नीड्स अ नेशनल पीडियाट्रिक कैंसर कंट्रोल पॉलिसी. नेशनल कैंसर कंट्रोल पॉलिसी में पीडियाट्रिक कैंसर्स फीचर ही नहीं करते हैं, नाम ही नहीं दिया गया है, जबकि स्मॉल कंट्रीज लाइक पेरू एंड श्रीलंका है पीडियाट्रिक कैंसर्स मेंशनड, चाइल्डहुड कैंसर्स मेंशनड इन देयर कैंसर कंट्रोल पॉलिसी. और हम लोग पता नहीं कौन से दिन का वेट कर रहे हैं. देखिए, पीडियाट्रिक कैंसर शुड बी मेड अ प्रायोरिटी फॉर फंडिंग रिसर्च, देयर नीड्स टू बी अ बेटर एक्सेस टू मेडिसिन एंड फंडिंग. ये देखिए, इट नीड्स रिसर्च. अभी गुड सपोर्टिव थेरेपी अवेलेबल है, लेकिन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स ज़्यादा.
एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया नीड्स 3 years ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग 6 months ऑफ इंटेंसिव केमोथेरेपी ड्यूरिंग विच द चाइल्ड एंड फैमिली शुड स्टे नियर द फैसिलिटी। देखिए कि केस स्टडी है, ये अपने आप में बता रहा है दैट कितना कॉस्ट लगता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये बढ़ती हुई बीमारी है? लेट मी नो स्टूडेंट्स। तो ल्यूकेमिया, यहां पर वर्ड है ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। ये देखिए ब्लड कैंसर के मैक्सिमम केसेस पकड़े जा रहे हैं। सो दिस इज इट स्टूडेंट्स अबाउट द पीडियाट्रिक कैंसर्स ओल्ड एज। सो व्हाई डज इंडिया नीड टू प्रायोरिटाइज चाइल्डहुड कैंसर्स? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, मुझे 5 रीजन बता दीजिए। व्हाई डज इंडिया नीड टू प्रायोरिटाइज कैंसर्स? और कैंसर के सिम्टम्स जानने बहुत, ये चाइल्डहुड कैंसर्स, ये देखिए कैंसर के सिम्टम्स जानने बहुत ज़रूरी हैं सबको आज की तारीख में। सबसे मेजर सिम्टम होता है या लक्षण होता है वेट लॉस, क्योंकि कैंसर का मतलब होता है राइज इन द नंबर ऑफ सेल्स। ये देखिए ट्यूमरस ग्रोथ, और सेल्स जब बढ़ेंगे तो ये ज़्यादा ईट करेंगे, यानी फैटीग होगा, वेट लॉस होगा। ये देखिए, सो व्हाई डज इंडिया नीड टू प्रायोरिटाइज चाइल्डहुड कैंसर्स? मुझे 5 रीजंस अभी बताइए और आंसर राइटिंग ग्रुप पे भी पुटअप कीजिएगा आप लोग फटाफट। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स, आगे की तरफ मूव करते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का न्यूज देखा जाए, भारत के संविधान को लेकर, फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स को लेकर क्या न्यूज आया है। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट जारी किया गया, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट यू कैन सी इट है स्टूडेंट्स। इंडिया एक्सपैंडिंग सेंसरशिप रेजिम क्रिएटिंग अनइवन प्लेइंग फील्ड, स्टडी ऑफ फ्रीडम हाउस रिपोर्ट कम्स आउट। फ्रीडम हाउस इज अ वॉशिंगटन बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये द हिंदू में आ जाया है। देखिए वॉशिंगटन बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए काम कर रहा है इस फील्ड में, और ये फ्रीडम हाउस रिपोर्ट निकालता है। 1973 से ये रिपोर्ट निकाल रहा है, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर। सो ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम हैज डिक्लाइंड फॉर द 13th कंसेक्यूटिव ईयर। द एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स ऑनलाइन हैज डिटोरेटेड इन 29 कंट्रीज विद ओनली 20 कंट्रीज रजिस्टरिंग नेट गेन्स। तो फ्रीडम ऑन द नेट, ये टाइटल रिपोर्ट आया स्टूडेंट्स, फ्रीडम ऑन द नेट। ये देखिए तो इंटरनेट का इस्तेमाल और फ्रीडम कितना है, ये देखिए। द रिप्रेसिव पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये देखिए रेड फ्लैग इसने इश्यू किया है। किस चीज़ के ऊपर? इंक्रीजिंग यूज ऑफ AI बाई गवर्नमेंट्स फॉर सेंसरशिप। इन शॉर्ट AI का गलत इस्तेमाल डिफरेंट कंट्रीज में ओवर सप्रेसिंग द फंडामेंटल राइट्स स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ नोट कर लीजिए, सप्रेसिंग द मींस AI का इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई पूछा AI इज अ डबल एजेड सोर्ड, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या, देखिए सप्रेसिंग द सिविल राइट्स, ये देखिए। तो डिफरेंट कंट्रीज में हो रहा है ऐसा, इंडिया का भी इसने रैंक निकाला, देखिए आइसलैंड इज 94 इज द टोटल स्कोर, 100 का स्कोर पे 94 आइसलैंड को आया है। इंडिया का 50 स्कोर है स्टूडेंट्स, और 50 का मतलब है पार्टली फ्री है इंडिया में, ये देखिए फ्रीडम। पाकिस्तान का नॉट फ्री 26 स्कोर, श्रीलंका का पार्टली फ्री 52 स्कोर, ब्राज़ील 64, US 76, जर्मनी 77, UK 79, ये देखिए हैव अ लुक। सो 13th एडिशन निकल रहा है इसका, किस चीज़ का? फ्रीडम ऑन द नेट 2023 13th रिपोर्ट है, लेकिन ये फ्रीडम रिपोर्ट निकालता है हर साल सिंस 1973। देखिए यहां पर तो डिजिटल रिप्रेशन इज द न्यू नॉर्म आउट हियर, यू कैन सी इट हियर, डिटेलिंग AI इनेबल्ड डिजिटल रिप्रेशन इन इंडिया। द रिपोर्ट सेड, ये रिपोर्ट पुट अप किया है, दैट सेटिंग द गवर्नमेंट्स ऑर्डर टू YouTube एंड Twitter टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस विद इन इंडिया टू अ BBC डॉक्यूमेंट्री अबाउट कम्युनल वायलेंस, या बाकी चीजों का इसने पुट अप किया है। इसने इस रिपोर्ट के हिसाब से AI का इस्तेमाल हो रहा है YouTube और Twitter को ये बताने के लिए कि क्या पुटअप करना है और क्या पुटअप नहीं करना है। सो दिस इज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट स्टूडेंट्स, ये देखिए
The report evaluates countries on five methods: internet connectivity restrictions, blocks on social media platforms, blocks on websites, blocks on VPNs, and forced removal of content. ये पांच पैरामीटर्स पे जज किया गया, ये देखिए. That's it about the Freedom House report. ये देखिए उन देशों के बारे में डिस्कशन है इसमें, इस फ्लो इस सर्कल में जहाँ दे उन जिन देशों में इंडिपेंडेंस है ही नहीं. ये देखिए नॉट फ्री कैटेगरी, ये देखिए नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, इक्वेटोरियल गिनी, रवांडा, सऊदी अरब, चाद, इराक, साउथ सूडान, सोमालिया, कॉन्गो, क्यूबा, चाइना. लिखा हुआ है दैट यहाँ के लोग इस कोशिश में कि हमें कभी तो फ्रीडम मिल जाए. दैट्स इट. ये देखिए तो यही था फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के बारे में. आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन इंस्टीट्यूशंस का न्यूज़ है. स्पेन का वाइल्ड फायर 37,000 एकर्स बर्न करता हुआ रीइग्नाइट हो गया टेनरीफ आइलैंड पर. टेनरीफ आइलैंड इज नियर मोरक्को इन अटलांटिक ओशन, अ पार्ट ऑफ कैनरी आइलैंड्स. स्टूडेंट्स कैनरी आइलैंड्स क्या ये स्पेन को बिलोंग करता है, मुझे बताइए. यस. और यहीं पर स्टूडेंट्स मेडीरा आइलैंड्स हैं, पोर्चुगल को बिलोंग करते हैं. ये देखिए टेनरी दिस टेनरीफ आइलैंड या कैनरी आइलैंड्स का जो पोर्शन है टेनरीफ आइलैंड्स, दिस इज अ कंटिनेंटल आइलैंड. कंटिनेंटल नोट कर लीजिएगा. ये देखिए क्लियर. तो टेनरीफ का डिजास्टर भी मैं बता दूं आपको, मैंने आपको बताया भी होगा पहले भी, मैं फिर से बता दूं. 1979 में कैनरी आइलैंड्स पे एक बहुत बड़ा प्लेन कोलिजन हुआ था. कैनरी आइलैंड्स पे जो मेजर एयरपोर्ट था वहाँ पर फॉग लगा हुआ था, तो छोटे एयरपोर्ट शायद टेनरीफ आइलैंड्स के एयरपोर्ट पे उसे उतारा गया था पैन अमेरिकन एयरलाइंस एंड लुफ्थांसा. और लुफ्थांसा एयर स्ट्रिप पे खड़ी थी, पैन अमेरिकन को बोल दिया गया टेक ऑफ करने के लिए. रिप्ड अपार्ट बोथ द एरोप्लेन्स. 1979 द बिगेस्ट क्राइसिस द वर्ल्ड हैज फेस्ड टिल डेट अपॉन अ एयर स्ट्रिप. Of course, the biggest crisis, one of the biggest crisis was in mid-air over India when Kazakh Airlines flight collided over Delhi. तो ये देखिए यहाँ पर this Spain, Portugal, सब के सब परेशानी में students, पूरा विश्व परेशानी में चल रहा है. In fact, this time it's a serious environmental emergency. Do you agree? Tell me in the chat box, students. It's a serious environmental emergency at present. अब इस बार कुछ बचेगा नहीं, बच रहा ही नहीं है कहीं पर. ये देखिए आग लगी हुई है कनाडा में भी, परमाफ्रॉस्ट में सॉयल मेल्ट कर गया, वहां का बर्फ पूरा कंप्लीट. वहां रखे हुए फॉसिल्स जल रहे हैं, कार्बन से बने होते हैं, जल रहे हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स प्रिजर्व थे, जल रहे हैं. जलती हुई धरती और बढ़ते हुए लोग स्पेस की तरफ. आइए आगे बढ़ते. बांग्लादेश रिसीव्स द फर्स्ट यूरेनियम कंसाइनमेंट फॉर रशिया बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट. रशिया के तो चीफ पुतिन ये अलग ही मोड में नजर आ रहे हैं. ही हैज टोल्ड टुडे हैज इशूड अ स्टेटमेंट, कैन लॉन्च 100 मिसाइल्स इन वन गो, विल टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स वेरी सून इन 3 decades. 3 decades में पहली बार रशिया जा रहा है न्यूक्लियर टेस्टिंग करने के लिए मिसाइल्स के साथ में. कहाँ ये लोग ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या एम क्या है, विजन क्या है लाइफ का. Leadership lacuna is there at the global front. I hope you agree. Let me know in the chat box, students. तो ये देखिए यहां पर रशिया से फिलहाल बाहर आए और बांग्लादेश की तरफ आगे बढ़ते हैं. बांग्लादेश में यूरेनियम कंसाइनमेंट रीच कर रहा है रशिया बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट की तरफ. और ये रशिया बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट का नाम क्या है, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट. नोट कर लीजिएगा रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट. ये कौन से कंट्री में बेस्ड है, बांग्लादेश. नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. सो दिस इज अबाउट टॉपिक फ्रॉम बांग्लादेश रशिया. दिस इज अबाउट टॉपिक फ्रॉम दिस टेनरीफ आइलैंड्स एंड कैनरी आइलैंड्स. ठीक है. और तो और देखिए इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट में न्यूज स्टूडेंट्स. इंडिया यूएई डिस्कस इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बड़े स्तर पर. ये देखिए इंडिया एंड यूएई
on Thursday discussed bilateral investment treaty that could see BIT bits. क्या आपको ये शब्द पता है? मुझे बताइए स्टूडेंट्स. ये देखिए BIT, bilateral investment treaty, very very important topic. A bilateral investment treaty is a mutual agreement between two countries. Two countries के बीच में mutual agreement. ये देखिए. To protect the private companies in each other's territories. Private companies को protect करने के लिए. ये देखिए. In each other's territories. That's it. तो private companies काम करती हैं बाहर की इंडिया में. Amazon, Vodafone. Yes. और इनको लेकर क्या bid sign किए गए? Yes. Any private company would want कि मैं उस देश में तभी जाऊं जब bid sign किया गया हो. That's it. Meanwhile, both the countries also entered into a strategic partnership agreement that would see India and UAE work together to operationalize UAE National Domestic Card Scheme. The Domestic Card Scheme will aim to facilitate the growth of e-commerce and digital transactions in UAE and cut the cost of payments. Aur pata hi hai that payments leader at present kaun hai world mein? UPI, QR code. Jaiye payment karne. Sabzi diye payment kar diye QR code se. गूगल पे, भीम एप्लीकेशन. ओके. उसके बाद फ्रूट्स लेने गए, गूगल पे से पेमेंट किए. पेन लेने गए, गूगल पे से पेमेंट किए. कोर्स लिए IAS टॉपर्स मंत्रा पे गूगल पे से QR कोड देखकर कोर्स खरीद लिया गया. अमेज़न पर गए, आपने पेमेंट कर दिया गूगल पे से, UPI से. और ये साफ साफ दिखा रहा है इंडिया का एक्सपीरियंस बहुत आगे बढ़ गया है आज की तारीख में. तो पेमेंट्स के अलावा अगर कोई मींस इवन क्राउड फंडिंग और बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा रोल आ रहा है QR कोड का. और हर दुकानदार, हर खोमचे वाला, इनफैक्ट पीपल हु आर आल्सो आस्किंग फॉर मनी, दे आर कीपिंग देयर QR कोड्स ओपन. दैट्स इट. तो इसे याद कर लीजिए स्टूडेंट्स. इंडिया UAE कोऑपरेशन, इंडिया इन्वेस्ट एशिया, उसके पहले रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके पहले टेनरीफ आइलैंड्स, कैनरी आइलैंड्स में स्पेन को बिलोंग करता हुआ, उसके पहले स्टूडेंट्स फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई है, उसके पहले आपने पढ़ा साइंस एंड टेक में ओल्ड एज एक बड़ी समस्या, और बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, आनंद मूवी. और साथ में आपने पढ़ा स्टूडेंट्स Childhood cancers needs to be prioritized. उसके पहले आपने पढ़ा स्टूडेंट्स द टॉपिक ऑफ सोशल एम्पावरमेंट एंड यस फोर्ट इन केरल. यस सिक्किम का एक और न्यूज़ आया स्टूडेंट्स. ये देखिए, ये गाड़ी देखिए, उल्टी पड़ी हुई गाड़ी, रैंकपो टाउन फ्लैश फ्लड्स. ये देखिए, तो तीसरा रिवर बेसिन रैंकपो टाउन, ये देखिए. एंड चुंगथांग डैम द लार्जेस्ट HEP प्रोजेक्ट इन द स्टेट. ये नोट कर लीजिएगा, ये सब प्रीलिम्स में आ सकता है स्टूडेंट्स. ही देखिए, दैट्स इट. सिक्किम डेलज, सिक्किम इन प्रॉब्लम. एक ना एक न्यूज हर हफ्ते, पहले इस ऐसे डिजास्टर वाले न्यूज का फ्रीक्वेंसी रहता था. एवरी टू इयर्स द डिजास्टर्स यूज्ड टू अकर. फिर एक समय आया एक डिकेड बैक when disasters used to occur every year. Then that time period came from 2018. Disasters started occurring frequently, every 2-3 months. And now timeline is like disasters are occurring every day, every week. Every day ka samay nahi aaya hai. Aa jayega to bahut dikkat mein pura vishwa. Aur pareshani mein hum sabhi log. Isme ye जज करना, गेज करना कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है डिजास्टर को मैनेज करने को लेकर डिफिकल्ट हो जाएगी. तो इसी के साथ आज के लिए सेवा समाप्ति की घोषणा. स्टूडेंट सेशन कैसा लगा मुझे बता दीजिए. नमस्कार, जय हिंद. लेट्स एंड द सेशन ऑफ टुडे. टेक केयर. आई विल पोस्ट द PDF इन 30 मिनट्स अप्रॉक्स. कल सुबह मिलते हैं वापस. कल सुबह सेशन देखेंगे 7 अक्टूबर का. यस,